अगर कश्मीर फाइल्स मूवी नहीं आती, पहली बात तो भाई ये मूवी नहीं है, रियलिटी हमारे देश की, क्योंकि इसमें हर 10 मिनट के बाद कोई गाने नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, कोई हीरो हीरोइन नहीं है, ये रियलिटी हमारे देश की। तो हाँ, टॉपिक पे चलते हैं कि अगर कश्मीर फाइल्स मूवी नहीं आती तो क्या आपको अभी तक पता चलता कि हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? भाई पता भी आपको कहाँ से चलेगा? तो चलो इस टॉपिक पे आज यही बात करेंगे। सो हे गाइस, बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो। मैं तुम्हारा भाई सिवा चुका एक और न्यू वीडियो लेकर। सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे कश्मीर फाइल्स मूवी के ऊपर। पहली बात तो भाई ये मूवी नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये मूवी नहीं है भाई, ये एक्सप्रेशन है, हमारे इमोशन है जो कि हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है। भाई इस मूवी में तो पूरा सच, मतलब सच तो पूरा है, पर वो भाई सब कुछ दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि 3 घंटे में यार कितना ही दिखा लेंगे। इतना कुछ हुआ था हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ, वो तो आपको इस पिक्चर को देखने के बाद ही पता चलेगा। पर जब भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इस मूवी के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो भाई 1990 में ना कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ था। अब आप लोग कहोगे कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो भाई आप लोग ये समझ लो कि आपका घर है, ठीक है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, आपको ना आपके अपने घर से भगाया जा रहा है, आपके अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कि भाई तू निकल यहाँ से, छोड़ अपना घर। तो आप लोग कहोगे कि भाई ये क्या चूतिया पंथी बना रहा है यार, तू चूतिया है क्या, कैसी कैसी बातें कर रहा है? तो भाई यही हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, उन्हें उनके घर से भगाया गया था, उन पर गन वन रख के यार बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हुआ था। अब आप लोग कहोगे यार ये मूवी तो नकली है, प्रोपेगेंडा फैला रही है। भाई मुझे पता है यही लोग कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना कि भाई हमारे देश में क्या होता है क्या नहीं होता। एक मिशन है और यहाँ जम्मू में हम जो दिखा रहे हैं ये हमारे लिए तीर्थ यात्रा है, ये वो सच्चाई है जो आज तक छुपाई गई। हमारे हिंदू भाइयों को ये तक नहीं पता चला होगा कि अभी तक भाई कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, जो कि मैंने अपनी शुरुआत में ही कही थी। अगर ये मूवी नहीं आती तो भाई आपको नहीं पता चलता इनके बारे में, ना कोई एक्टर बात करता, ना ही कोई टीवी चैनल्स वाले बात करते हैं। अब टीवी चैनल और न्यूज चैनलों की बात कर ही दिए तो तुम्हें एक चीज और बता दूं, ट्विटर पर जितने भी लेफ्टिस्ट मीडिया है ना, वो भाई इस मूवी के बिल्कुल खिलाफ है। मुझे ये समझ नहीं आता सालों, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? अपना जमीर तुमने बेक खाया क्या? मैंने माना यार पैसे के चक्कर में तुम जो मर्जी कर सकते हो, पर भाई अपने जमीर अपने समाज को तो याद रखो। इन्हें ये शर्म नहीं आती कि भाई हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ कितना गलत हुआ था, जब भी साले खिलाफ है उनके। बताओ यार, अगर आप असली हिंदू हो ना, जब आप उस पिक्चर को देखोगे ना, तो भाई आपके गूज बम्स भी आएंगे, आपको रोना भी आएगा और आपको यार बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा। ये बात मैं झूठे नहीं कह रहा, तुम्हारे भाई ने देखी थी, जब भाई खुद मेरे भाई गूज बम्स भी आए थे और रोना तक आ रहा था कि इतना गलत हुआ है। और आजकल के जितने भी यंगस्टर है ना भाई, मैं भी एक यंग हूँ, पर जितने भी यंगस्टर हैं भाई उन सबका ब्रेन वॉश है। वो जब इस मूवी को देखेंगे यूं कहेंगे कि प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, सब कुछ झूठा, इतना कुछ थोड़ी हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। भाई आप लोग पढ़ोगे भी कहाँ से, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं जाता ना ये सब। आपको ये बता दो ना, आपको हिंदू राजाओं के बारे में कितना पढ़ा दिया था हिस्ट्री की बुक में, आपको हिंदू राजाओं के बारे में कितना पढ़ा दिया बताओ? सबके सब मुगलों के बारे में पढ़ाए जाते हैं कि भाई मुगल इतने आए, इतने मुगल गए, उनकी इतनी बीवियां थी, उनके इतने बच्चे थे। अबे भैया हमें उन मुगलों से करना क्या है, पढ़ाना तो हमारे राजाओं के बारे में पढ़ाओ ना। आपने देखा होगा जब भी कोई न्यू मूवी आती है उसका कितना ज्यादा प्रमोशन करते हैं। अब यार गंगूबाई को ले लो, अभी अभी आई, कितना ज्यादा प्रमोशन हो रहा है उसका, आलिया भट्ट की जो मूवी है कितना ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, हर हीरो बोल रहा है कि जाके देखो ये करो वो करो। पर कश्मीर फाइल्स के ऊपर कुछ नहीं भाई, किसी शो में नहीं गई, कोई इतना ज्यादा प्रमोशन नहीं, किसी हीरो ने कोई स्टोरी नहीं लगाई। अब ये बताओ ना भाई, क्योंकि लगाएंगे भी क्यों भाई, रियलिटी को कोई नहीं बताता। पर जब हमारे न्यूज चैनल वाले तक बात नहीं कर रहे तो भाई और क्या ही होगा, और लोगों को तो कुछ पता ही चलेगा ही नहीं, वो अवेयर होंगे ही कहां से, उन्हें कुछ नहीं पता चलता यार, और हमारे हिंदू तो सबसे ज्यादा अवेयर है ही नहीं। तो चलो गाइस, इस वीडियो को आज यहीं खत्म करते हैं। और हां, जाते जाते फिर से कहना चाहता हूं भाई, कश्मीरी पंडितों के बारे में अगर आपको जानना है कि 1990 में उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो इस पिक्चर को भाई जरूर देखना, 100% रियल है, और जितना कुछ उसमें दिखाया गया ना भाई उससे भी ज्यादा हुआ था, क्योंकि भाई 3 घंटे के पिक्चर में डायरेक्टर कितना ही दिखा लेगा, उससे बहुत कुछ ज्यादा ही हुआ था। आप लोग खुद सोचना कि जब भाई आपको आपके घर से भगाया जाएगा तो आप कैसा फील करोगे। तो पिक्चर को जाके जरूर देखना भाई, कहीं पे भी देखो, अपने सिनेमा में अगल बगल में कहीं से भी देखो यार, पर पिक्चर को जरूर देख लेना, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आज की मेरी वीडियो को इसको आप लाइक करो, लाइक मत करना यार, कमेंट भी मत करना, सब्सक्राइब यार सब्सक्राइब की भी नहीं बोलूंगा। इस वीडियो को जितना होना बस शेयर जरूर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ, सबको पता लगना चाहिए कि भाई हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। आप लोग सपोर्ट करोगे जब ही हमारा देश ऊपर जाएगा। जय हिंद जय भारत। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते हैं तो मार देते, मार देते। कश्मीर चल रहा है, खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल आम हो रहा है, मुझ पर पता था तुम पर नहीं, पद्मश्री मुझे ऐसे ही मिला ना, पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए।